स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के एकदम जबरदस्त न्यूज़ लेकर। दोस्तों आज का न्यूज़ वाकई जबरदस्त है। मोदी सरकार की गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को इस इतिहास की सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। होम लोन पर मिलेगी सब्सिडी। क्या है न्यूज़ पूरा बताएंगे दोस्तों। अगर आप मकान खरीदते हैं शहरी अर्बन क्षेत्र में तो आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगा, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान भी किया था। होम लोन पर आपको बहुत बड़ी सब्सिडी मिलने वाली है। घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, सरकार दे सकती है होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का तोहफा। मिडिल क्लास को होगा सीधा फायदा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ महीने में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू हो सकती है। यह स्कीम शहर में रहने वाले कम इनकम वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह स्कीम 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम की हाउसिंग लोन पर दिया जाएगा। 50 लाख से ऊपर पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 50 लाख से ऊपर का लोन भी नहीं लेते। प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए घर खरीदना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच देश के केंद्र सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की शुरुआत करने जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि सरकार स्मॉल अर्बन हाउसिंग के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराएगी। 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है 2028 तक। एक बड़ी स्कीम लेके सरकार आ रही है और नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान लाल किले से भी किया था। 2028 तक ये पैसा खर्चा किया जाएगा 60,000 करोड़ के करीब करीब। 3 से 6.5% की ब्याज सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स के अनुसार नई योजना के तहत 9 लाख रुपए तक की लोन राशि पर 3 से 6.5% के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी आवेदकों को मिल सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपए के लोन से कम जिसका अमाउंट रहेगा उसको ये मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में इसका ऐलान किया था। हालांकि इसके इस भाषण के बाद अब तक कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम में 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से 6.5% की ब्याज सब्सिडी आपको मिलेगा। 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम हाउसिंग लोन पर यह सब्सिडी मिल देगी। 25 लाख लोगों को सीधा होगा फायदा। सरकारी अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी के लिए लोन अकाउंट में पहले ही ब्याज में छूट का लाभ क्रेडिट कर दिया जाएगा जिससे कि बाद में किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इस स्कीम का प्रस्ताव 2028 के लिए है। जब से ये स्टार्ट होगा 2028 तक ये चालू रहेगा। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर इस स्कीम को लागू कर दिया जाता है तो शहरी इलाकों में कम से कम 25 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। जो भी लोग घर खरीदना चाहते हैं, अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि सब्सिडी क्रेडिट की ये रकम इस बात पर निर्भर करेगी घर को लेकर कितना डिमांड देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने अगस्त में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि हम आने वाले वर्षों में नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे शहर में रहने वाले परिवारों को फायदा मिल सकेगा। मकान झुग्गी चौल या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि साल में लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, इसके कारण से सरकार बड़ी बड़ी स्कीम लेके आ रही है और इसमें ये भी एक स्कीम जुड़ सकता है। आपको बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव होने से पहले कई सारी योजनाओं पर भारत सरकार काम कर रही है। इसमें रसोई गैस पर भी कुछ सब्सिडी दिया गया है। पेट्रोल डीजल पर आने वाले समय में कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है। और भी कई स्कीम लेके केंद्र सरकार आएगी सीधे तौर पर, क्योंकि 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव भी है। बड़े बड़े 5 राज्य हैं जिसमें मोदी सरकार सीधे चुनाव में उतर रही है। मोदी अपने नाम पर ही चुनाव हर जगह लड़ते हैं तो इनको जनता को कुछ ना कुछ स्कीम तो देना ही पड़ेगा। इसी कारण से ये एक ब्याज सब्सिडी वाला होम लोन पर ये स्कीम भी लागू किया जा सकता है जल्दी। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगता हो तो शेयर करके अपने फ्रेंड और फैमिली तक भी पहुँचाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली तक भेजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलिए। और मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।